अब मैं गिरीश जी के पास आती हूँ कि गिरीश जी, क्या बीजेपी का ध्वस्तीकरण आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अब कोई रोक नहीं सकता? मोदी जी चाह भी लेंगे तो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इसके पहले कि मैं गिरीश जी आऊं, ये ट्वीट साकेत गोखले का मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स भी देख ले और किस संदर्भ में हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। ये साकेत गोखले का ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। एज ऑफ टुडे द नंबर्स इन द लोकसभा आर बीजेपी 240, इंडिया 237. Three BJP MPs in West Bengal are in touch with us and there will be a nice surprise soon. After that, BJP 240, India 240. Modi's creaky coalition is a temporary structure which isn't going to last very long. ये साकेत गोखले का ट्वीट है। 1.8 million लोगों ने इस ट्वीट को ऑलरेडी देख लिया। ये ट्वीट काफी वायरल हुआ था, कल से ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था। जी गिरीश जी, मैं यही कह रही थी कि अब मोदी क्या करेंगे? मोदी पार्टी को बचाएंगे या मोदी गठबंधन को बचाएंगे? आपको क्या लगता है सर, क्या क्या ये एक बड़ा चैलेंज मोदी जी के लिए नहीं है? नीलू जी, मोदी ने पार्टी को तो वैसे ही खत्म कर दिया है। अभी अगर आप बीजेपी लास्ट 5 या 7 साल से देखें तो इट वॉज मोदी मोदी एंड मोदी। किसी का कोई इंपॉर्टेंस तो मिनिस्ट्री में था ही नहीं। आज हम लोग न्यूज कवर करने के बाद भी हमको इनकी मिनिस्ट्री के काफी आदमियों के नाम ही पता नहीं कि हु इज लुकिंग आफ्टर व्हाट पोर्टफोलियो। पार्लियामेंट में सवाल फाइनेंस का पूछा जाता है और रेलवे मिनिस्टर आके जवाब देता है, कोई प्रोटोकॉल होता नहीं था। रीजन वॉज कि उनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, अपोजिशन के पास इतना पावर नहीं था। तो इन्होंने जैसे गुजरात में किया था कि फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज कि वो अपोजिशन की इतनी स्ट्रेंथ ही खत्म कर देते हैं कि कोई सवाल पूछने वाला ही ना हो, और जो भी लूप होल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो पूरे फायदे उठाए जाए और ये देखा जाए कि कोई सवाल ही ना पूछे। तो यही एटमोसफियर इन्होंने किया। लेकिन मिनिस्ट्री एलोकेशन अगर आप माइन्यूटली देखें तो अभी भी इनकी जो डर्टी ट्रिक्स है वो खत्म नहीं हुई है। आप देखिए माइंस एंड मिनरल्स में इन्होंने जे कृष्ण रेड्डी को अभी चार्ज दिया जो तेलंगाना से आता है। मणिपुर का जो पूरा डिस्प्यूट है वो आप अगर हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो एक फोकोर कंपनी थी जो आंध्रा की थी, 1955 से वो वहां पे वर्क कर रही थी। वो उसको हटाने का है क्योंकि बहुत ही सस्ते में वेदांत ने वो पूरा फैक्ट्री ले कंपनी लिया है और सबसे ज्यादा लीज उस कंपनी के पास। तो अभी भी इनका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि 5 साल बैठेंगे, अभी भी जो थोड़ा बहुत बचा है वो बेच देना है। लेकिन स्लैप इन द फेस है। आज भी आप देख ले, कुछ मैं फॉलो कर रहा था कि SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज जंप्ड इनटू प्रॉफिट, और हम लोगों ने शायद 2 साल पहले 2 इश्यू स्पेशल हमारे मैगजीन में निकाले थे व्हाई SCI शुड नॉट बी सोल्ड। तो इनका जो डिजाइन है अभी भी वो अपने हटे नहीं है उससे। लेकिन जो 2 दिन से RSS का डेवलपमेंट हुआ है, शायद विवेक जी उस पर ज्यादा लाइट डाल सकेंगे, जब अगर उन्होंने उनका सपोर्ट बेस भी विड्रॉ कर लिया है तो नाउ दे शुड अंडरस्टैंड। लेकिन मोदी जी का ये इनहेरेंट नेचर है कि वो अकेले मैदान में खड़े होंगे तब तक भी वो चिल्ला चिल्ली तो ऐसे ही करेंगे जैसे उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है। तो ये इनका जो पूरा डिजाइन है, अभी आप देखिए कि गठबंधन होने के बाद भी, क्योंकि वो इस एटमोस में वर्किंग है, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से मिनिस्ट्री डिक्लेयर कर दी, मतलब कहीं सेइंग है ही नहीं। गठबंधन में आपकी ज्वाइंट कमिटी बैठती है, वो डिसाइड करती है किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, लेकिन ही स्टिल गोइंग अलोन कि मैंने जो करना है वो मैं कर दूंगा। अब स्पीकर पे जो डिस्प्यूट आ रहा है, जो इरिटेशन हो रहा है, और एक तो देख लीजिए मिनिस्ट्री में तो नो रूम लिखा गया, अभी तो वो डिब्बे में कोई जगह है नहीं। तो ऑल द पीपल हु आर रनिंग अराउंड उनको एक ओपन मैदान दिख रहा है इंडिया गठबंधन में, और जब लीडिंग पार्टी कांग्रेस ने बोल दिया कि हमको सत्ता में आने की कोई लालच नहीं है, हम आराम से बैठ के देखेंगे काउंटर करेंगे, तो वहां पर जो फ्यूचर दिख रहा है और एवरी MP जिसने मेहनत करी है, जो अपने उनके पास बेसिस है, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनको पर सत्ता है तो वो कुछ काम कर पाएंगे। तो सिचुएशन अभी आप देख लीजिए कि माइनस की माइनस हो रहा है। 240 में अभी भी जो 11 इनके साथ बैठे हैं उनमें से 2 बड़ी पार्टियों को छोड़ दो, दे आर सिंगल ऑपरेटर, उसमें भी लोग चले जा रहे हैं। डर्टी ट्रिक्स आप देखिए कि लद्दाख का एक ही जो इंडिपेंडेंट था उसका इमीडिएट वो भाजपा कांग्रेस के भाजपा के कॉन्टैक्ट में ऐसे करके इन्होंने वायरल करना शुरू कर दिया। लेकिन ही वॉज स्मार्ट इनफ कि उसने राहुल गांधी को मिलकर वो फोटो वायरल कर दिया। तो अभी जो काउंटर हो रहा है, जो मोनोपोली सरप्राइज की मोदी जी के पास थी, वो सरप्राइज अभी 11 पार्टियों के पास है और वो भी इनको दे रहे। आप शरद पवार के स्टेटमेंट लास्ट वीक से देख लीजिए तो इतने कंफ्यूजिंग है कि शायद उनके नेक्स्ट जो बैठा है वो भी नहीं बोल पाएगा कि शरद पवार जी कल सुबह क्या करने वाले। तो दीज थिंग्स दे आर सो कंफ्यूजिंग। और ये बात सही है कि मोदी जी विल बी डेफिनेटली लेफ्ट अलोन आफ्टर दिस। अब फ्लोर पे क्या हो रहा है उसको देखना है और स्पीकर विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ मोदी जी। गिरीश जी, आपका क्या मानना है कि बीजेपी का ग्राफ यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे आएगा?
अभी हो सकता है कि चीजें पलट जाए महाराष्ट्र चुनाव में, अभी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को सीटें ज्यादा आ सकती हैं, वहां जीत हो सकती है, लेकिन पासा पलट भी सकता है, बीजेपी है मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। लेकिन जो हम पॉइंट पर डिस्कस कर रहे थे आरएसएस पे, उस पर एक मैं सवाल छोड़ देता हूँ अपनी पैनल और पब्लिक के लिए, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के नागपुर का सिटी एडिशन पढ़ ले। मोहन भागवत जी परसों कार्यकर्ता विकास वर्ग टू जो फाइनल ट्रेनिंग होता है वो उसमें बोल रहे थे, वो कोई नहीं बता रहा है। और उसमें 936 वॉलंटियर्स में से आपके 5 मणिपुर से थे और वो 5-5 मैथी थे, कुकी नहीं थे। और वो अगर वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं और 100 कैंप मणिपुर में चल रहे हैं, वो मोहन भागवत जी वो इश्यू में लिखा हुआ है, उनकी टोटल जो 1000 कैंप्स हैं उसमें से 100 मणिपुर में चल रही है उस वक्त से, तो सडनली कैसे मोहन भागवत जी को स्ट्राइक हुआ कि वहां पे सिचुएशन, अगर आपके कार्यकर्ता वहां पे 100 कैंप चला रहे हैं तो उनको तो पूरा जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से सारी इंफॉर्मेशन मिली थी, तो ये क्या उनका उद्देश्य था? तो वो क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है वो कभी भी बिल्कुल लिक्विड होता है, वो अपने आप को, कल भी हमने प्लेटफॉर्म पर किया था कि वो अगर भाजप गिर रही है और रिटेलिएशन का जो डर है जो आज तक नहीं था, अब ऑपोजिशन मिलके इन भाजप और आरएसएस वालों को ढूंढने लगेगी, वो अपने आप को सेफ करने के लिए ये स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, तो ये इनका मणिपुर पे स्टेटमेंट गलत है। वो कैंप चला रहे हैं, उनका जो सेकंड वर्ग का फाइनल कोर्स हुआ जिसमें 936 उसमें से 111 तो टीचर्स हैं, तो कैसे उनको ग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं थी? तो दिस इज ऑल कुक्ड अप डेलिबरेट, और इन पे ज्यादा रिलाय करने से पब्लिक अपने इंटेलिजेंस पे चलेगी तो ज्यादा सेफ रहेगा जी। और जब लीडिंग पार्टी कांग्रेस ने बोल दिया कि हमको सत्ता में आने की कोई लालच नहीं है, हम आराम से बैठ के देखेंगे काउंटर करेंगे, तो वहां पर जो फ्यूचर दिख रहा है और एवरी एमपी जिसने मेहनत करी है जो अपने उनके पास बेसिस है, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनको पर सत्ता है तो वो कुछ काम कर पाएंगे। तो सिचुएशन अभी आप देख लीजिए कि माइनस की माइनस हो रहा है, 240 में अभी भी जो 11 इनके साथ बैठे हैं उनमें से 2 बड़ी पार्टियों को छोड़ दो, दे आर सिंगल ऑपरेटर, उसमें भी लोग चले जा रहे हैं। डर्टी ट्रिक्स आप देखिए कि लद्दाख का एक ही जो इंडिपेंडेंट था उसका इमीडिएट वो भाजपा कांग्रेस के भाजपा के कॉन्टैक्ट में ऐसे करके इन्होंने वायरल करना शुरू कर दिया, लेकिन ही वॉज स्मार्ट इनफ कि उसने राहुल गांधी को मिलकर वो फोटो वायरल कर दिया। तो अभी जो काउंटर हो रहा है, जो मोनोपोली सरप्राइज की मोदी जी के पास थी, वो सरप्राइज अभी 11 पार्टियों के पास है और वो भी इनको दे रहे। आप शरद पवार के स्टेटमेंट लास्ट वीक से देख लीजिए तो इतने कंफ्यूजिंग है कि शायद उनके नेक्स्ट जो बैठा है वो भी नहीं बोल पाएगा कि शरद पवार जी कल सुबह क्या करने वाले। तो दीज थिंग्स दे आर सो कंफ्यूजिंग। और ये बात सही है कि मोदी जी विल बी डेफिनेटली लेफ्ट अलोन आफ्टर दिस। अब फ्लोर पे क्या हो रहा है उसको देखना है और स्पीकर विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ मोदी जी।